Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने मेगा स्पेक्ट्रम नीलामी रखने की योजना बनाई है, जिसमें 5G सेवाओं के लिए निर्धारित बैंड शामिल होंगे। नेक्स्ट जेनरेशन की यह नेटवर्क तेज गति की इंटरनेट के साथ IoT के जरिए कारों, मशीनों और घरेलू उपकरणों तक कुछ भी कनेक्ट कर पाएंगे। भारत का दूरसंचार नियामक यानी कि TRAI 5G स्पेक्ट्रम के लिए मूल्य निर्धारित करने के कठिन मुद्दे पर ग्लोबल एक्सपर्ट से परामर्श कर रहा है, जो कि उचित संदर्भ में 2020 तक भारत में पहली बार बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएगा। इस मुद्दे पर TRAI के चेयरमैन RS शर्मा का कहना है कि यह एक साधारण मुद्दा नहीं है, हमें इनकी कीमतों से संबंधित सिफारिश देनी होगी। इसलिए अगर हम ग्लोबल एक्सपर्ट्स के परामर्श लें तो ये काम और भी आसान हो जाएगा। भारत 2020 तक 5G आधारित सेवाओं को शुरू करने की योजना बना रहा है। हालांकि दूरसंचार ऑपरेटर्स अभी नहीं चाहते हैं कि इस स्पेक्ट्रम की नीलामी 2019 से पहले की जाए, जब तक कि ऑपरेटर्स के पास संबंधित परिस्थितिजनक तंत्र, हैंडसेट उपलब्धता, विकास और ऑपरेटर्स की आर्थिक स्थितियों में सुधार नहीं आ जाता। जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया इस साल के अंत तक 5G स्पेक्ट्रम बेचने की योजना बना रहा है। साथ ही साथ जर्मनी और कनाडा भी 2020 के बाद इसकी नीलामी के लिए तैयार है। वहीं UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम एकमात्र ऐसा प्रमुख राष्ट्र है जो 5G एयरवेव की नीलामी कर चुकी है। यूनाइटेड किंगडम की सबसे बड़ी टेलीकॉम ऑपरेटर इस साल की शुरुआत में 5G स्पेक्ट्रम को हासिल करने के लिए 1.4 बिलियन पाउंड खर्च किए थे। वहीं वोडाफोन UK ने 3.4 गीगाहर्ट्ज बैंड में 50 मेगाहर्ट्ज जीतकर 378 मिलियन पाउंड खर्च किए थे। RS शर्मा ने भारत में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी पर अपना बयान देते हुए कहा कि TRAI 5G आधारित मूल्य पर पहुंचने के लिए ग्लोबल एक्सपर्ट से परामर्श कर रहा है। वहीं इस स्पेक्ट्रम का मूल्य कुछ मानकों पर आधारित है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों का परामर्श लेना अनिवार्य है। इस मुद्दे पर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब तक भारतीय टेलीकॉम ऑपरेटर्स की आर्थिक स्थिति, परिस्थितिजनक तंत्र, हैंडसेट उपलब्धता और विकास की स्थिति में सुधार नहीं आ जाता, तब तक 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी होना संभव नहीं है। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट। For the latest telecom news, subscribe to this channel now.